अस्सलाम वालेकुम साथियों, अगर अभी MyABL ऐप के यूज़र हैं और कुछ अरसे बाद MyABL ऐप में लॉगिन होते हुए MyABL ऐप से अपडेट करने के बारे में कहता है, लेकिन अगर आप अपडेट के ऑप्शन को प्रेस करते हैं और उसके बाद भी MyABL ऐप नहीं खुलता तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। साथियों, मैंने यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे प्रेस किया है और देखते हैं क्या होता है। अपडेट के ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद हम सीधा गूगल प्ले स्टोर में चले जाते हैं। यहाँ पे हम ओपन के ऑप्शन को प्रेस करते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो नीचे कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि दिस ऐप इज़ नॉट कंपैटिबल विद योर डिवाइस एनीमोर, और कहा जा रहा है कि आप डेवलपर से रब्ता करें। ऐसे में आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है MyABL। MyABL को लिखते हुए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही ऑप्शन MyABL APK 4.0.17 फॉर एंड्रॉइड, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर नीचे आकर डाउनलोड APK पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हुए ये फाइल ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये ऐप तकरीबन 155 MB का ऐप है। साथियों, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हुए आपके साथ ये मसला उस वक्त आता है जब आपके मोबाइल का रैम जो है वो 1 या 2 GB हो। तो आपके मोबाइल का रैम 3 या 4 GB होगा तो आपके पास ये मसला कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल 1 या 2 GB रैम का है तो आपको अपने मोबाइल जो है तोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत महंगा है भाई, दूसरा मोबाइल आप नहीं सकते। बल्कि लाला के मशवरों पे अमल करते हुए आपने क्या करना है, आपने मेरी तरह इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। साथियों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी कारामत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। फाइल डाउनलोड होने के बाद हम ओपन की ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। मैंने बायोमेट्रिक्स के ऑप्शन को इनेबल किया है, इसलिए बहुत जल्दी देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। ये देखिए जनाब, MyABL जो है वो जुगाड़ के ज़रिए हमें से ओपन कर चुके हैं और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट चीज़ें होती हैं। बस चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ऐप भी आप खुद ही इंस्टॉल करें, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो साथ ही मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।